सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। ये तो घर महाचक्र दशा दिदे वसुंधरे
वराह रूप निर्शिव नारायण नमस्ते नृसिंह रूपेण अग्रण अंतर्देशाकृतोत्तमे त्रैलोक्यदान सहित नारायण नमस्ते कीर्तने महावज्र सहस्रनयनाचले वृत्रपाण हरिश्चंद्रे नारायण नमस्ते शिवधोते स्वरूपेण हतधत्र महाबले घोररूपे महारावे नारायण नमस्ते दशाकर लवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मंडमदने नारायण नमस्ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये जद्धे मुष्टि सदेधवे महालक्ष्मी महाविद्ये नारायण नमस्ते नियते सरस्वती वरे भूतिमाब्रविदामजे नियते तम्रसीदेशे नारायण नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्राहि नाद्देवि दुर्गे देवि नमस्ते एतत्ते वदनं श्रव्यं लोचनत्रयभूषितं वासनः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमस्ते जालकरालमत्युग्रम् अशेषसरसोधनं विजोलम्बतनो भीतिर्वज्रकाली नमस्ते हिणस्ति दत्ततेजांसि समेन पूजया जगत् सखण्डपतनो देवि पापेभ्यो नाशदानिव असुराजृगमसपङ्गजर्षितस्वेकरज्वल शुभाय खड्गो भवतु चण्डिकेतान्नता वयम् रोगान् शेषान्नपहस्यदुर्धान् हृष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणान् त्वामाश्रितायाश्रयतां नयान्ते धर्मान्दिशान्देविमहासुराणां रूपेरनेकैरवरदात्मभूतिं कृत्वाम्बिकेतात्प्रकरोत्तिकान्या विद्याश्रिशास्त्रेषु विवेकधीरे स्वार्थेषु वाक्येषु जगात्प्रधन्या ममात्मकर्तेति महान्धकारे विभ्रामयस्य सरसेव विश्व द्रक्षांसि यत्राग्रविशास्य नाग यत्रालयोगस्य बलानि यत्र धावाणलायात्र तथाति मध्ये तत्रास्ति तत्रां परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरीतां परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकालयति विश्वम् विश्वेश मन्या भवति भवन्ति विश्वाशयाये वैभक्तिनम्रः देवी प्रसीदपरिपालयनारभीत नित्यं यथा सर्वदा तदनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रथमान्नयाश वक्ता च पाकजनिता च महापसर्गन् गणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वातिहरणे त्रैलोक्यवासिनामेज लोकानां वरदा भव देव्यो भाच वरदाहन्तर्गणाबलं जन्मनसे सद ब्रह्मणन्तं प्रयस्यामि जगतामवकारकम् देवावोच सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशन देव्यो भाच देवस्वजन्तरे प्राप्ते अष्टानिश्चरिमे युगे शुम्भानिशुम्भ सेवाज्ञम् वद्वसेते महासुर नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भर यदस्तनाथ निश्यामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरभ्यतिरात्रेण रूपेण मृदभीतले अवतीर्याः निश्यामि विप्रचित्तान् सुधानवान् वक्ष्यन्द्या च तानवकान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति नारिमेकुसुभोपमः तथा मां देवताः स्वर्गे मध्यलोके च मानवाः सुमन्दो व्याहरिष्यन्ति सरदं रक्तदन्तिकाम्
सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकर्म, माँ भगवती की स्तुति इसका क्षयफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धान की वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है। वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ॐ विद्युद्धामसमप्रभा मृगपदे कन्धास्ते ताम्बे
सकल ब्रह्मांड मणिजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी सर्वया देव काले महामारी जैव जैशिवतिरंगदानां देव काले सनातने देव काले नाम सेवा लक्ष्मी वृद्धि प्रदाय सेवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशाय भजायते सुधा संभोजिता पुष्प धूप गंधा दिवे सदा ददाति मित्रं पुत्रं च मतिं धर्मे गतिं च अथ सत्कुञ्जिकस्तोत्र शिववाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकस्तोत्रमत्तम येन मन्त्रप्रभावेन चण्डी जापः शुभः भवेत् न कौचर्णार्गदास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् न सुखं नापि ध्यानं च न सभासन कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अधिगह्यतरं देवी देवानामविधुर्लभ गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयमेव पार्वते मारणं मोहनं वर्षं सम्मनं जातनादिकं पाठमात्रेण संसृत्य कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच ॐ गौं क्लीं गां सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच ज्वलहं झलं घं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्य नमस्ते मधुमर्दने नमः कैटवहारिण्य नमस्ते मशाजने नमस्ते शुम्भान्ते च निशुम्भासुरगातने जाग्रतमहीमहादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी शिशिरूपाय लिङ्कारी प्रतिपादिक ह्रीङ्कारी कामरूपिण्य बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाति च जयकारी वरदायिनी भिक्षे च वयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे धां ह्रीं द्वन्द्वर्यदेवर्णे वां भीं भुं भागधीश्वरे क्रां क्लीं क्रों कालिका देवे शां क्षीं सौम्ये शुभं कुरु हं हं हंकाररूपिण्ये जं 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 भरासने ह्रां ह्रीं ह्रों भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चं तं तं पञ्जं छं भीं गुं ऐं भीं हं छं दिजग्रं दिजग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां भीं भुं भारती पूर्णा खां खीं भुं केतरी तदा खां श्रीं सुं सप्तशती दद्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष मे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रयागदिहे तमे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनाय सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिः अरण्ये रोदनयस अथ दर्गापद्दरस्तु नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगत्यापि देवेश्वरूपे नमस्ते जगत्पञ्चपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारनेत्राय दुर्गे नमस्ते जगच्चेन्द्रमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारनेत्राय दुर्गे अनाथस्य दीनस्य मिषणातुरस्य भयातस्य लीलास्य वधस्य यन्तो त्वमेकागतिरधिनिसारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारनेत्राय दुर्गे अरण्ये Yeah.
Come on.
उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे।
धरते बंधु हूँ। वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, पुण्यकर्मी होते हैं, जिन्हें देवी की कृपा से माँ का आशीर्वाद से इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मन को कर्म करते हुए इस जगजननी आदिशक्ति के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके धर्म कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जय माँ भगवती की बड़ी अपार कृपा होती है भक्तों पर, क्योंकि देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और वास्तव में जो जगजन्य जगत माता जिनका कल्याण करना चाहती है, जिनका मंगल करना चाहती है, जिनके दुख जिनके कष्ट दूर करना चाहती है, उन्हें अपने दरबार में बुलाती है, चरण बैठाती है और अपना आशीर्वाद देती है, जिस आशीर्वाद से उन भक्तों के सभी कष्ट सभी दुख दूर होते हैं और भक्तजन जो हैं सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। ऐसे परम पवित्र बेला जे आरती के समय कहते कि इस समय 33 करोड़ देव देवता जो हैं अपने रूप बदल करके माँ की आरती में उपस्थित होते हैं, माँ की स्तुति करते हैं। और ऐसे परम पवित्र बेला में आपको माँ के चरणों बैठ करके भगवती की आराधना करने का, समस्त देव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो, जो संध्या का समय है। और इस समय की ही भगवान की आराधना जप पाठ स्नान दान जी जो सत्कर्म जो होते हैं इसका अनंत गुणाफल होता है। फिर जो आज जो है चैत्र शुक्ल जो है कृष्ण पक्ष की द्वादशी एवं पाप मोचनी एकादशी का व्रत भी है। कल जो है एकादशी विद्या थी, इसलिए जी पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो है वैष्णव व्रत जो है ये आज था। तो इस पाप मोचनी एकादशी के दिन जो है भगवती के चरण बैठ करके इस प्रकार से ये पुण्य अर्जित करना, कहते पाप मोचनी एकादशी जो है ये जन जनात्र के पापों का नाश करने वाली है, जो उसका व्रत करते हैं फिर ऐसे स्थान पर बैठ करके जो भगवती का स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, तो उन पर तो विशेष कृपा होती है। तो कहते हैं कि इस व्रत से जो है पापों का नाश होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा जो सुखद हो जाती है। कहते हैं महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को यह प्रश्न किया था कि चैत्र कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने से क्या फल होता है, कैसे व्रत किया जाए, क्योंकि समय समय से भगवान कृष्ण जो थे पांडु का मार्गदर्शन करते थे, पांडु के जीवन में कष्ट आए परंतु उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया, धर्म मार्ग पर वह चलते रहे और संतों का संग ऋषि मुनि की सेवा ये धर्म कर्म जो है इसका उन्होंने कभी त्याग नहीं किया, व्रत करना तप करना वन में रहते हुए भी। तो भगवान समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते थे। तो उससे भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन जी चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी जो है इस विषय में जो है राजा मानदाता हुए हैं, जिनका श्रीमद देवी भागवत में वर्णन आता है, उनकी उत्पत्ति के विषय बतलाया गया है। राजा मानदाता बड़े धर्मशील राजा हुए हैं, प्रजापालक राजा हुए हैं, जिनके 50 कन्या थी और उन 50 कन्या का विवाह जो था सौवरी ऋषि के साथ ही हुआ था, 50 कन्याओं का एक साथ। ऐसे जो मानदाता राजा जो थे ये हमेशा धर्म के मार्ग पर चला करते थे और ऋषि मुनियों की सेवा करना और इस प्रकार से उनसे पूछा करते थे कि मैं क्या कर्म करूं जिससे मेरा परलोक सुधर सके। और यही प्रश्न जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि राजा मानदाता ने महर्षि लोमस ऋषि को पूछा था। लोमस ऋषि ये ऐसे ऋषि हैं, लोम बाल को कहते हैं,
और उसके पांव से लेकर के सिर तक बाल ही बाल है, रोम ही रोम है। और कहते हैं कि जब एक बाल उनका टूटता है, एक कल्प जब बीतता है तो एक बाल टूटता है, और जब इस प्रकार से एक बाल बीतता जाएगा और एक उसका बाल टूटेगा, तो जब पूरे बाल जब जो है नीचे घिरेंगे तब उनकी पूर्ण आयु होगी। इतनी आयु लोमस ऋषि की थी, और ऐसे लोमस ऋषि जो हैं उनने कभी कोई आश्रम नहीं बनाया अपना। जब उनसे पूछा गया कि आप आश्रम क्यों नहीं बनाते, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया कि जीवन क्षण भंगुर है, कब समाप्त हो जाए पता नहीं। ऐसे ऋषि जिनकी इतनी आयु थी, एक कल बीतते तो एक बाल टूटता था, जब पूरे बाल टूटेंगे तब उनकी आयु पूर्ण होगी। ऐसे में ऋषि तपस्वी जो है उनके दर्शन जो है मानदाता ऋषि जो है राजा को हुए, और राजा ने उनको यही प्रश्न किया कि लोक कल्याण के लिए आप कृपा करके बतलाएं कि चैत्र महीने में जो कृष्ण पक्ष एकादशी होती है उसका व्रत करने से क्या फल होता है, किस नाम की एकादशी होती है। तो जो उस समय लोमस ऋषि ने उन्हें बताया था, भगवान कहते हैं वही मैं आपको बतलाता हूं, ये राजयुधिष्ठिर को वो कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि लोमस ऋषि ने राम नाम जो है मानदाता जी से कहा कि राजन, चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है पाप मोचनी एकादशी होती है, ये समस्त पापों का नाश करने वाली होती है, और इसका जो व्रत करता है बस समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, पूर्व काल में की अवसरों से सेवित चैत्रनाथ चैत्र रथ नाम का एक बन था, जिसे अवसर जो है बाबा रमन किया करते थे, और उनमें अवसर जो है गंधर्व जब गाया करते थे, गंधर्व कन्या वहां नृत्य करती थी। ऐसा वह वन जो है जहाँ पर सबसे श्रेष्ठ अवसर जो है जिसका नाम जो था वह मंजू घोषा नाम की अवसर जो थी, वहां पर आई, और उसी वन में मेधावी नाम के ऋषि, मेधावी नाम के जो हैं ऋषि जो थे बस वन में तप किया करते थे। कई वर्षों तक उन्होंने तप किया, ऐसे तपस्वी थे, कभी तपस्या से वे विचलित नहीं हुए। कई ऐसी घटना है परंतु वे तपस्या से विचलित नहीं हुए। कहते कि जब तक देवी की कृपा न हो तब तक जो तपस्वी अपनी तपस्या में सफल नहीं होते, क्योंकि यही भगवती जो है जो महामाया है, इसी भगवती ने इस जगत को जो है अपनी माया द्वारा जो है मोहित कर रखा है। ज्ञानी नाम चेतन से देवी भगवती सा भला दा कृष्ण मोहाया महामाया प्रजश्यति, जो बड़े बड़े ज्ञानियों को बड़े बड़े तपस्वियों को भी मोह के गहरे गर्त में गिरा देती है। फिर सामान्य मनुष्य का कहना है क्या, कोई कहे मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा संभल करके चलता हूँ, मैं तो रोज भगवान की आराधना करता हूँ, पाठ करता हूँ, जप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मेरा मन मेरी बुद्धि कभी विचलित नहीं हो सकती। देखिए जब तक उसकी कृपा न हो तब तक कोई भी कहीं भी सफल नहीं हो सकता किसी भी कार्य में, जब उसकी कृपा होती है और जो लोग उसके शरणागत होकर के कि जो भी हो रहा है माँ आपकी कृपा से हो रहा है, हम आपकी शरण में हैं और इसलिए हम पर अपनी कृपा करना, कृपा बनाए रखना हमारी बुद्धि में हमारे मन में, कभी किसी पर विकृति को विकार ना आए, आप रक्षा करोगी तो हमारी रक्षा होगी, इसलिए कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे हम अधोगति को प्राप्त हो जाए, ऐसा कार्य ना हो जाए हमसे, माँ हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, हमेशा हमारी रक्षा करना। दुर्गा सप्तशती में कहा गया माँ से प्रार्थना करते हुए, मेधा से देवी तक सारा दुर्गा से दुर्ग भव सागन और संगा श्री केट हरि हृदय कृतादिवासा गोरी तमेव शशि मौली कृत प्रतिष्ठा, कि माँ कि जिससे जो है समस्त शास्त्रों के ज्ञान का सार प्राप्त होता है वह मेधावी शक्ति आप है, मेधावी शक्ति आप ही है, और दुर्गम अभसागर से पार उतारने वाले नौकारो दुर्गा देवी आप ही, दुर्गा से दुर्ग भवसागर और संगा ये दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौकारो जो है आप ही,
दुखों से पार उतारने वाली। श्री केट बिहारी हृदय अधिभाषा गोरी तमेव शशि मौलिक प्रतिष्ठा कि माँ आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है, केतु के शत्रु हो कौन थे? भगवान विष्णु। मधु केतु को मारने वाले भगवान विष्णु है और मधु केतु के शत्रु कौन हुए? भगवान विष्णु। तो केतु के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में श्री कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी के रूम में विराजमान रहने वाली लक्ष्मी देवी आप ही, भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाले लक्ष्मी देवी आप ही, तथा भगवान चंद्रशेखर गौरी तमेव शशि मौली कृत प्रतिष्ठा, भगवान शिव के द्वारा चंद्रमौली भगवान शिव के द्वारा पूजित सम्मानित गौरी देवी आप ही। इसलिए माँ हम तो आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा कीजिए, ऐसे में ज्ञान दीजिए कि अक्षमत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने वाली करवाने वाली आप ही। ऐसे में मेधा भी ऋषि, मेधा कहते हैं कि बुद्धि को, जो सब प्रकार का ज्ञान रखने वाले ऐसे ऋषि जो थे, ऐसे तपस्वी ऋषि थे, जिस वन में तप करते थे उसी वन में मंजू गोसा नाम की अप्सरा जो थी वहां पर आई और उससे दूर जो है कुछ दूर जो है वह जो है अपना गान करने लगी, गीत गाने लगी, ऐसे मधुर शब्द जो थे और बिना वादन बिना बजाने लगी। और उस ध्वनि को सुनकर के जो है मेधा ऋषि उठ करके तपस्या से उठ करके खड़े हो गए और जिस ओर से वह दोनों आ रही थी उसी की ओर चल पड़े और चलते चलते उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां पर वह मंजू गोसर नाम के अवसर जो है वह संगीत में जो है इस प्रकार मस्त थी। ऋषि वहां पहुंचे, उनका तप टूटा, तपस्या भंग हुई और अब जो है उस अवसर के साथ वे रहने लगे। समय बीतते पता नहीं चलता, का बचपन था, जवानी आ गई, जवानी का पता नहीं चला, बुढ़ापा आ गया, अंतिम समय आ जाता है पता नहीं चलता। हृदय में तो ऐसा लगता है कि हम तो अभी ठीक है परंतु काल का पता नहीं, वह सिर पर बैठा हुआ है। एक दिन मेधावी ऋषि ने उस मंजू गोसा नाम के अवसर से कहा, अवसर ने उससे कहा कि मैं अपने लोक जाना चाहती हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। तब उसने कहा देखो जब तक सायंकाल की संध्या नहीं हो जाती तब तक जो है आप यहीं पर रुको, उसके बाद चले जाना। तब उसने कहा महाराज अब तक कितनी संध्या बीत चुकी है, जरा पूर्व काल का विचार कीजिए, कितना समय हो गया मुझे आपके साथ रहते हुए और कितनी संध्या बीत चुकी है। आप कहें कहें कि सायंकाल की संध्या बीत जाएगी उसके बाद आप चले जाइए। तब कहते कृष्ण जब ध्यान लगाया तो 97 वर्ष बीत चुके थे, 97 वर्ष 97 वर्ष बीत चुके थे उसके साथ रहते हुए। तो जो है तब जब उसने देखा कि ये क्या हुआ, अब होश आई, मेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई। ऋषि क्रोध में आ गए, अरे दुष्ट आपने सारी तपस्या जो मेरी नष्ट कर दी, बड़ी परिश्रम कर करके मैंने तब किया था, वन में रहते इतने वर्ष व्यतीत किए और आपने मेरी सारी तपस्या का जो सर्वनाश कर दिया। ऋषि ने शाप दे दिया, सब तो पिशाचनी हो जा। मंजू घोषणा कहा कि ऋषिवर कहते कि जो सात पद साथ साथ चलते हैं, सात कदम साथ चलते हैं, वे भी मित्र हो जाते हैं और मित्र जो कभी किसी दूसरे का भला चाहता है बुरा नहीं चाहता। मैं कितने वर्षों तक आपके साथ रही हूं और अंत में आज आपने मुझे इतना बड़ा शाप दे दिया। महाराज जी शाप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, कृपा कीजिए। तब जैसे प्रार्थना जो उन्होंने की, ऋषि ने कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष जो एकादशी है, पाप मोचन एकादशी, उसका व्रत करो, व्रत करो, आशीर्वाद दिया तो पाप से मुक्त हो जाएगी और अपने लोक प्राप्त हो जाएगी। कहते कुछ अप्सरा ने चैत्र मास कृष्ण पक्ष के एकादशी का व्रत किया ऋषि के आशीर्वाद से और एकादशी के व्रत के फलस्वरूप जो है वह उसे अपना लोक प्राप्त हुआ, पुनः जो है
पिशाचत्व दूर होगा। अब ऋषि दुखी हुए, मेरी त्वचा तो नष्ट होगी, पुनः तप करना है। तो कहते हैं फिर जो वही ऋषि जो थे अपने पिता यवन ऋषि के पास गए, यवन ऋषि के पुत्र थे, मेधव ऋषि यवन ऋषि के पुत्र थे, पिता के पास गए। जब पिता के आश्रम पहुंचे, पिता को प्रणाम किया, पिता ने आशीर्वाद दिया, सामने देखा, पूछा कुछ नहीं, परंतु यवन ऋषि सब जान गए। उन्हें आते कह के पुत्र जी तूने क्या कर दिया, क्या करके आए हो? तब उन्होंने क्षमा याचना करते कहा, पिताजी बहुत बड़ी भूल होगी, मेरी सारी तपस्या नष्ट होगी, मुझे पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चला क्या से क्या हुआ, इसलिए बड़े बड़े ऋषि जो है, तपस्वी जो है, भैवी जो है, काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है, ये एक क्षण का काम जो है, कितना बड़ा जो है अनर्थ कर डालता है, पता नहीं चलता। क्रोध एक क्षण का क्रोध जो है कितना बड़ा अनर्थ कर देगा, पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। पिताजी कुछ पता ही नहीं चला हुआ क्या, मेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई, अब क्या करूं? तब जो है पिता ने कहा, पुत्र चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करो, व्रत करो, साधना करो, और इस प्रकार से उससे आपका जो किया होगा, जो पाप जो है वह नष्ट होगा, और फिर जो है पुनः जो है पुण्य से परिपूर्ण हो जाओगे, पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो जाओगे। तब जो ने यही एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया, व्रत से जो है वे पाप से मुक्त हुए, और फिर जो है वे अपनी तपस्या से फिर जो है पुनः वह पुण्य से परिपूर्ण हुए, और अंत में उन्होंने पर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर से राजन जी बड़ा ही उत्तम श्रेष्ठ व्रत है, और मनुष्य को इस व्रत को करना चाहिए। भगवान उस व्रत करके जो है खूब जप करें, भगवान का स्मरण करें, और इस प्रकार जो व्रत करने से वह मनुष्य ये समस्त पापों से मुक्त होता है, और उसका जीवन जो है सार्थक होता है, उसके सभी कष्ट सभी दुख दूर होते हैं, वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इस लोक में वह स्व सुखों का भोग करता हुआ उसका परलोक जो है वह परम कल्याण में हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय कराए श्री वालिदा। बोल सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भक्तों को आज इस विशेष दिन में जो है, जो एकादशी का जो व्रत जो मैं आपको बतला रहा हूँ, ये एक विशेष दिन है, और ऐसे परम पवित्र वेला में, ऐसे स्थान पर, ऐसे पवित्र तिथि में जो है आपको जी पुण्य कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि जैसे व्रत होते, अभी जैसे नवरात्र आ रहे हैं, 9 दिन जो शक्ति पूजन के दिन होते हैं, सही भक्तजन जो है आप पहले से तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं, हम माँ की उपासना करेंगे, माँ को प्रसन्न करेंगे, माँ प्रसन्न होगी, हमें आशीर्वाद मिलेगा, तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, हमारा जीवन सुखी होगा, हमारा परिवार सुखी होगा, और हमारा कल्याण होगा। इसलिए ये शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचक दिन होते हैं। ऐसे ही जो व्रत है, एकादशी के व्रत हैं, पूर्णिमा का व्रत होता है, जन्माष्टमी का व्रत होता है, शिवरात्रि का व्रत होते हैं, ऐसे वो अन्य अन्य जितने ही व्रत जो होते हैं, जो वास्तव में ये मनुष्य के मानव के कल्याण के लिए बतलाए गए हैं, उन ऋषि मुनि ने तपस्या कर करके ये सिद्ध किए हैं, इन तिथियों में व्रत करने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, और मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए और फिर ऐसी कृपा हो जाए, देव कृपा, कि ऐसी सिद्ध पीठ पर आकर के सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ऐसे परम पवित्र तिथि में जो है, ऐसे पवित्र वेला में, ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ करके जो पुण्य कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो इसका अक्षय फल होते हैं, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। इसलिए जब इस प्रकार सौभाग्य प्राप्त हो इस जगजन्य जगत माता का हृदय से धन्यवाद करते माँ से यही प्रार्थना करना कि माँ आपकी कृपा से आपका आशीर्वाद से ये शुभ घड़ी पुण्य कर्म करने के हम प्राप्त हुई है, हे माँ इसी तरह से हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और भक्तों का मार्गदर्शन करना, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना,
और अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना, हमें अपने चरणों से लगाए रखना, ऐसे ही बुलाती रहना अपने दरबार में, अपना आशीर्वाद देती रहना, ताकि हमारा परिवार फले फूले आगे बढ़े और आपकी भक्ति करता रहे। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा हम पर, हमारे कुल पर, हमारे वंश पर, हमारे परिवार पर बनाए रखना। बोलो सच्चे दरबारी। माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जब मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र, इस मंत्र द्वारा जो भक्तजन माँ भगवती की साधना करते हैं और माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर इस जगजन्य जगत माता के, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी, माता महासरस्वती, जो तीन पिंडी गुरु में जहाँ पर विराजमान है, उनके दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन भक्तों पर तीनों देवियों की पूर्ण कृपा बनी रहती है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। 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 प्रसन्नचित्रार की जय। कभी भजन के बेला है, मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री मनिंद्र से, माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना, ताली बजाते हुए श्री मनिंद्र। जयकारा श्री रामजीरा बोल सच्चे दरबार की जय। सुख वेले तेरा करा शुक्रिया, दुख वेले अरदास सुख वेले तेरा करा शुक्रिया, दुख वेले अरदास रोम रोम तेरी करे बंदगी पूरी कर दे आसमां। सुख वेले तेरा करा शुक्रिया, दुख वेले अरदास रोम रोम तेरी करे बंदगी पूरी कर दे आसमां। वेले तेरा करा शुक्रिया, दुख वेले अरदास रोम रोम तेरी करे बंदगी पूरी कर दे आसमां। सुख वेले तेरा करा शुक्रिया, दुख वेले अरदास रोम रोम तेरी करे बंदगी पूरी कर दे आसमां। सुख वेले तेरा करा शुक्रिया। सारे सुनिए, हाथ ठीक लगा दिले, ताली नहीं, ताली में बाज माय के दरबार तक पहुंचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा करके सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हर समय पर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता। सब दे संकट दूर करे माँ तेरी अमृत वाणी, फुलिया नूर से पौंदी है तेरी जोत नूरानी माँ। फुलिया नूर से पौंदी है तेरी जोत नूरानी माँ। फुलिया नूर से पौंदी है तेरी जोत नूरानी माँ। सब दे संकट दूर करे तेरी अमृत वाणी, फुलिया नूर से पौंदी तेरी अमृत वाणी माँ। फुलिया नूर से पौंदी तेरी अमृत वाणी माँ। फुलिया नूर से पौंदी तेरी अमृत वाणी। जग को लोस तू है जिसने पास मां, रोम रोम तेरी करे बंदगी पूरी कर दे आसमां। जग को लोस रही लेना तू है जिसने पास मां, रोम रोम तेरी करे बंदगी पूरी कर दे आसमां। सुख वेले तेरा करा शुक्रिया, दुख वेले अरदास मां, रोम रोम तेरी करे बंदगी पूरी कर दे आसमां।
चिंतन तेरा कर दे तैनु पूजन वाले दाती किसे कोलों नहीं डरदे तैनु पूजन वाले दाती किसे कोलों नहीं डरदे तैनु पूजन वाले दाती किसे कोलों नहीं डरदे चिंता जो चिंतन तेरा कर दे तैनु पूजन वाले दाती किसे कोलो नहीं डर दे तैनु पूजन वाले दाती किसे कोलो नहीं डर दे तैनु पूजन वाले दाती किसे कोलो नहीं डर दे खुशियां पड़ने बच्चियां कदे ना होण उदास रोम रोम तेरी करे बंदगी पूरी कर दे आसमां खुशियां पड़ने बच्चियां कदे ना होण उदास रोम रोम तेरी करे बंदगी पूरी कर दे आसमां सुख बेले तेरा करा शुक्रिया दुख बेले अरदास मां रोम रोम तेरी करे बंदगी पूरी कर दे आसमां सुख बेले तेरा करा शुक्रिया दुख बेले अरदास मां रोम रोम तेरी करे ब्रह्मा विष्णु शंकर डमरू वाले परहादरी ब्रह्मा विष्णु शंकर डमरू वाले परहादरी ब्रह्मा विष्णु शंकर डमरू वाले तू ताती त्रैलोक दी माता तेरे खेल निराले पर्ण हाजरी ब्रह्मा विष्णु शंकर डमरू वाले माँ हाजरी ब्रह्मा विष्णु शंकर डमरू वाले हाजरी ब्रह्मा विष्णु शंकर डमरू वाले माँ सूरज चंद्र सितारे जय माँ जय माँ जय माँ जय सूरज चंद्र सितारे मंगले ज्योति तो प्रकाश मां रोम रोम तेरी करे बंदगी पूरी कर दे आसमां सूरज चंद्र सितारे मंगले ज्योति तो प्रकाश मां रोम रोम तेरी करे बंदगी पूरी कर दे आसमां सुख बेले तेरा करा शुक्रिया दुख मिले अरदास मां रोम रोम तेरी करे बंदगी पूरी कर दे आसमां दुख मिले तेरा करा शुक्रिया दुख मिले अरदास मां रोम रोम तेरी करे बंदगी पूरी कर दे आसमां सुख मिले तेरा करा शुक्रिया सबनु सब कुछ देने वालिए अस की तैनु दईए जन्म जन्म दे असी भिखारी सब कुछ तैथो दईए मां जन्म जन्म दे असी भिखारी सब कुछ तैथो लईए मां जन्म जन्म दे असी भिखारी सब कुछ तैथो लईए मां सबनु सब कुछ देने वालिए अस की तैनु दईए जन्म जन्म दे असी भिखारी सब कुछ तैथो लईए मां जन्म जन्म दे असी भिखारी सब कुछ तैथो लईए मां जन्म जन्म दे असी भिखारी सब कुछ तैथो लईए हो मां चंचल नू तेरी कृपा दे
जयकारा श्री वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। कभी वैसे प्रश्न श्री श्री जी जयकारा मेरी शिरोवली महाराज जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तैनू चेते कर कर रोवामा हंजुआ दे हाल परोवामा तैनू चेते कर कर रोवामा हंजुआ दे हाल परोवामा Yeah.
ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰ ਲੈ ਜਾਗੇ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਰੇ ਬਹਿ ਜਾਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਸੀ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਥਾਇਆਂਬੇ ਤੂੰ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਥਾਇਆਂਬੇ ਤੂੰ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਥਾਇਆਂਬੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਦਾਤੀ ਤੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਦਾਤੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਾਦਾ ਸੀ ਰੰਜੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰੋਵਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸਜਦੇ ਚਰਨੀ ਬਹਿ ਜਾਗੇ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਸੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਦੇਵਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨੋਂ ਮੈਂ ਵਸਾਰੂੰ ਕੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨੋਂ ਮੈਂ ਵਸਾਰੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਰਾ ਲੋ ਗੀਤ
कर मुझको तुत अपना बना लोगी तो क्या होगा। संकल के आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेषतः पामोचनी एकादशी के दिन माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतति भान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूर्भुवत कर्णे धान गणेशो भव तेजस्वी भव धैर्य दर्भ धरणे व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पंडतः सर्वोपकार भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु
मित्र नाम देश शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यम विदात शुभ मानम हियते धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती और भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सही भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सम्मिल कर होने ताली जाते हैं। ओम जय अम्बे गौरे मैया जय Thank you.
पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। सके दरबार की जय। प्रेम से बोला जय माता दी, 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 से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे सम्मिल करके बोलने ओ देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखं देहि में परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि यशो देहि दुशो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत् कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। शांति से बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन मन मां भगवत का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना द्वितीय आद कहे तृतीय कार्य करो हमेश जय माँ आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं आठ पहर चौसठ घड़ी दो चरणा का ध्यान जय माँ।
खड़गम चक्र गदेशु चाप फलितं शूलंब शुंडिं शिरा शंखं शंददलिन्द्रदेश चरण सर्वांग भूषाभृता नीलाक्ष ज्योतिमास पाद दशकं सेवे महाकालिकां यामस्तो सुविदेहरो कमलजो अंतं मधुं केतवम् अक्षासर्पदेशं गदेषु पुरुषं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च सर्वजलजं दण्डासुरावाजनं शूरं वाजसुदर्शने च दधति हस्ते प्रसन्नाननां देवमर्दनी महिमः लक्ष्मी सरोजस्थिता घण्टा शूलहराणि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताभिरधिन्द्रणान्त विरस शीलाशुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतम् आधारभूतामहा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदत्यादिनी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या कविनं त्वमेव त्वमेव सर्वां मम देव शान्ताकारं भुजगशरणं पद्मनाभ
हे माई मेरी सच्चिया जोगा वाली माता तेरी सदा पंच गुना रानी माता तेरी सदा सर्वसदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार शांति देने वाली माता तेरी सदा लोंकड़ा वीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जाओ धर्म की जाओ धर्म की जाओ अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष 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 बोलो हरे हर हर महादेव गुरु बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा मां शेरावाली दा बोलो सच्चे दरबार की जय आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो बोलो सच्चे दरबार की जय